बात बताइए, अभी बहुजन समाज के लोगों को पूर्ण रूप से आरक्षण भी नहीं मिला था कि सवर्णों का आरक्षण आ गया, तो ये सवर्णों का जो आरक्षण है ये कैसे मिलेगा? सवर्णों का आरक्षण जबकि अभी बहुजन समाज के लोगों को ही आरक्षण नहीं मिल पाया है, क्योंकि आरक्षण तो बाबा साहब ने कहा ही नहीं था, मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, उन्होंने जो जो कहा था बराबरी का कहा था, तो सवर्णों को जो आरक्षण दिया जा रहा है ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक खराब है, उसके बारे में क्या बोलेंगे उसके बारे में? मैं सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा वर्ल्ड वाइड, वो लोग जो जिंदगी की भागदौड़ में कहीं सामाजिक स्तर पर पीछे रह गए और शैक्षिक स्तर पर पीछे रह गए, तो विश्व में उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस तैयार किए गए। अफर्मेटिव एक्शंस वो होते हैं जिनकी बदौलत उन पीछे रह गए लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। भारत में स्थिति और भी गंभीर थी, वहां तो नस्ल भेद था। अगर हम अंग्रेजी हुकूमत मतलब अंग्रेजी प्रदेशों की बात करें, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, वहां नस्ल भेद हुआ करते थे। उसके आधार पर जो लोग काले लोग थे वो पीछे रह गए, जो निग्रो थे पीछे रह गए, फिर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो है अफर्मेटिव एक्शन लिए गए। भारत में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको जाना पहचाना समझा तो पता ये चला कि जितनी दयनीय स्थिति निग्रो की हुआ करती थी उससे भी कहीं ज्यादा दयनीय स्थिति भारत के डिप्रेस क्लास लोगों की थी, शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों की वो स्थिति भारत में थी, जिन्हें सामाजिक रूप से पिछाड़ा गया, जिन्हें शैक्षिक रूप से पिछाड़ा गया। तो बाबा साहब ने पूना पैक्ट के माध्यम से संविधान में लिखा वो लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए हों या शैक्षिक रूप से पिछड़ गए उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब पिछड़े कैसे, पता कैसे चलेगा कि पिछड़ा हुआ है? क्या सवर्णों में बनिया बामन ठाकुर, क्या इनमें से किसी व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया? अगर रोका गया तो इन्हें आरक्षण दो। क्या इन्हें कभी दूसरे लोगों के मलमूत्र को सिर पर उठाने के लिए काम दिया गया? अगर इन्होंने दूसरों का मलमूत्र सिर पर उठाया तो इन्हें आरक्षण दो। क्या इन्हें कभी मंदिर में जाने से रोका गया है? अगर रोका गया है इन्हें आरक्षण दो। क्या कभी इनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार किए गए हैं? अगर किए गए हैं तो जरूर दो। तो मतलब ये सारी चीजें जिस समाज के साथ होती रही हैं, बदस्तूर हजारों सालों तक होती रही हैं, वो समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, तो ये आधार बना कि इस निर्धारित समाज को आरक्षण दिया जाए। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए इसकी तो व्यवस्था ही संविधान में नहीं थी। बीजेपी के लोगों ने क्या किया, बीजेपी के लोगों ने संशोधन कर दिया संविधान में ही और एक नई परिपाटी खड़ी कर दी। वो नई परिपाटी क्या हो गई कि जो है गरीब लोग जो हैं सवर्णों में उनको आरक्षण, गरीब कौन सा है? वो गरीब है जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए मतलब जो 66,000 रुपए आराम से हर महीने कमाता हो तो वो आदमी गरीब है, तो ऐसे गरीब को आरक्षण मिलेगा। वो व्यक्ति जिसका दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बॉम्बे, पूना, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में 100 गज का मकान है, जानते हो गाजियाबाद में अगर 100 गज का मकान खरीदना चाहते हो तो कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए मिनिमम। अगर बंबई में आपको 100 गज का मकान चाहिए तो कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए आपको, इससे नीचे में आपको मकान मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना महंगा मकान है वो गरीब है तो उसे आरक्षण देंगे, 10% सवर्णों को ही आरक्षण देंगे। या फिर अगर वो सवर्ण किसान है तो उसके पास 30 बीघे जमीन है तो वो भी गरीब ही है। तो पहली चीज, ये जो संसद में बैठे हुए 131 शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के जो सांसद थे, मैं इनको कहूंगा ये सांसद नहीं थे, असल में इनके गले में अलग अलग पार्टियों के पट्टे पड़े हुए थे। मालिक खींचता है तो ये भौंकता है, मालिक खींचता है तो ये चिल्लाता है, क्योंकि ये लोग मालिकों के गुलाम हैं। इसी वजह से इन सब की बोलती बंद थी, इन लोगों ने एक बार भी सवर्ण आरक्षण का विरोध नहीं किया जो कि गैर संवैधानिक है। अब गैर संवैधानिक है तो इस पर चर्चा क्या करें, चर्चा ये करें इस पर जो है PIL फाइल कर दी गई है, अब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएंगे वो हम सबको मान्य होंगे। लेकिन ये जो व्यवस्था बनाई गई है इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। लेकिन मेरा निजी राय ये है, मैं दुखी हूँ इस बात से, आहत हूँ कि शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के जो नेता हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं हमारे समाज के, उन सबकी आवाजें बनती, उन सबकी बोलती बनती,
तो उन लोगों से मैं कदापि सहमत नहीं हूं।